इस इवनिंग अपडेट बुलेटिन में बात करेंगे एक अहम और एक खास खबर की, जिसका असर हमारे नौनिहालों पर पड़ रहा है। स्कूल कैंपस ही वो जगह होती है जहां हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल अच्छा नागरिक बनने के तमाम गुर सीखते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के बच्चों के बीच भाईचारा भी बच्चे इन कैंपस में ही तो सीखते हैं, और यही भाईचारा एक सहिष्णु समाज और मजबूत देश का निर्माण करता है। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल कैंपस में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो चिंता में भी डालती है और कई सवाल खड़े करते हुए हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल यह है कि आखिर इन स्कूल कैंपस में या एजुकेशन कैंपस में कड़वाहट क्यों? और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कम कुछ 3 से 4 खबरें ऐसी आई है जो ये कहती हैं कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जहर घुल रहा है। क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, लेकिन कुछ स्कूलों में सांता क्लॉज बनाना एक मुद्दा बन गया है। वहीं कुछ स्कूलों में तिलक लगाने और कलावा बांधने पर भी आपत्ति है स्कूल प्रबंधन को। क्या है पूरी खबरें, पहले आप सिलसिलेवार इन्हें समझिए, एक एक खबरों पर जरा नजर डालिए, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। पहली खबर देखिए, बड़वानी के सेंट जयपुरिया स्कूल की है जहां स्कूल में बच्चों को सांता क्लॉज बनाया गया। स्कूल से बाहर आते ही हंगामा शुरू हो गया। एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया, साथ ही बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बच्चों की सनातन धर्म से दूरी की जा रही है, उन्हें दूर किया जा रहा है सनातन धर्म से। और वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ये साधारण प्रोग्राम है जो हर साल न्यू ईयर से पहले आयोजित होता है। ये तो बात हुई पहली खबर की, बड़वानी का ये मामला है। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। दूसरी खबर आई है बैतूल से। बैतूल में मिशनरी स्कूल में माथे पर टीके और कलावा को लेकर विवाद हुआ। सेंट थॉमस स्कूल प्रबंधन पर कलावा खुलवाने का आरोप है और माथे से टीका मिटाने का भी आरोप लगा है। स्कूल प्रबंधन का भी सफाई देते हुए वीडियो सामने आया है। यह आरोप बच्चों पर लगाए जा रहे हैं कि बच्चों को दबाव में डाला जा रहा है, माथे पर टीका लगाने नहीं दिया जा रहा है, कलावा बांधने से उन्हें रोका जा रहा है। ऐसा कोई नहीं लगाता मैम। स्कूल में अभी कह रहा हूँ कि आप जो टीका लगाने की फैकल्टी मांग रहे हैं, आप मेरी बात नहीं 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 बोल रही हूँ। जो बच्चे फैंसी टाइप करके आते हैं उनका हम लोग बोलते हैं करने के लिए, लेकिन अगर सिंपल सा टीका बनाते हैं वो नहीं करते। ऐसा कोई नहीं लगाता मैम। स्कूल में अभी और चलिए अब आपको तीसरा मामला बताते हैं, तीसरी खबर भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश के ही सागर से है। सागर से जहां मिशनरी स्कूल में जय श्री राम बोलने पर स्कूल प्रबंधन से एक बच्चे को सजा सुनाई गई, वहीं स्कूल प्रबंधन का इस पर अपना ही तर्क है। अब ये तीनों मामले जो आपने देखे, बड़वानी से, बैतूल से और ये तीसरी खबर जो सागर से, इसके बाद सवाल कुछ खड़े होते हैं। बंसल न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इन शैक्षणिक संस्थाओं में जो कुछ खबरें हुई हैं, जो खबरें आ रही है, सवाल यह है कि क्या अब कैंपस में भी विचार थोपे जा रहे हैं नौनिहालों पर? क्या मासूम दिमागों में जहर घोलने का काम हो रहा है? और क्या समाज से सहिष्णुता खत्म हो गई है? ये कुछ 3 बड़े सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है, और इन्हीं सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तीनों खबरें जो आई है इसके पीछे क्या तर्क है, विशेषज्ञों का क्या कहना है, हम इस पूरे एंगल को इसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम रुक करेंगे इस वक्त, हमारे साथ आचार्य सोमेश परसाई जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम उनसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी, और सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जरा आप ये समझाइए, मध्य प्रदेश के बैतूल, बड़वानी, सागर से 3 खबरें आती है और तीनों का सार अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ तो एक तरह से सांप्रदायिकता घोलने का काम किया जा रहा है, नौनिहालों पर इसका क्या असर पड़ता होगा, कैसे आप देख रहे हैं इसे? हेलो जी, अब पहली बात तो ये है कि ये जो जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी सब चीजें हैं, एक तो सोच जो है वो हमारे अंदर बसी है, हम किस प्रकार के सोच के लोग हैं,
और सोच का अर्थ यह है कि हम इसको धर्म के रूप में ले रहे हैं कि भारतीयता के रूप में ले रहे हैं या हम किसी पंथ के रूप में ले रहे हैं। और सत्य सनातन धर्म हमारा जो है ये आज का विषय नहीं, अनादिकाल का विषय है। अब रहा सवाल, बच्चे जो हैं सुबह से 7 बजे से बच्चे जाते हैं, 4 बजे लौटते हैं, पूरा समय उनका जो व्यतीत होता है वो पूरा स्कूल में व्यतीत होता है। आज समय में इस स्कूल में जब तक हम संस्कार का पीरियड नहीं लगाएंगे, जब तक हमारी हम संस्कृति से लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस तरह के भेदभाव, इस तरह के विवादित विषय आते रहेंगे। अब रहा सवाल कि उन जो शिक्षक हैं क्या वो अपने धर्म के अनुसार उनको ढालने का प्रयास कर रहे हैं या वो भारतीयता में उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सोच पर निर्भर करती बातें। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उठ करके माता पिता गुरु को अभिवादन करते थे, प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करना कोई अपराध है क्या? सुकृत ने विमल विभूषी तिल, और इसके बाद हमारे यहाँ जो मना गया ये तिलक गुण गण बस करनी, जो है तिलक लगाता है तो इसका अर्थ यह है कि वे गुणों का बखान यदि हमारे जीवन में सुगमता मंगलता शुभता का सूचक है। इसको हिंदू धर्म से इसको ना जोड़ करके ये माने कि मांगलिकता का ये सूचक है, शुभता का सूचक है, शिखावी शुभता का सूचक है। लोग अपने अपने ढंग से इसको बयां कर रहे हैं। हमारा इसमें ये कि हम शिक्षा में ये चर्चा करें, सब अपने अपने धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन किसी किसी धर्म को आप भेदभाव दृष्टि से भेद दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जल है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, लेकिन है तो वो ईश्वर एक, ईश्वर अलग अलग नाम से हम बुला रहे हैं। हमारा निवेदन यही है कि इसमें यदि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है जी, अपनी अपनी दृष्टि से लोग हंस की तरह उसमें जो चुनना है वो चुन ले रहे हैं जी, तो ये कहना चाहिए कि झकझोर देने वाली मानसिकता है। बिल्कुल, इसमें परिपक्वता के साथ, अच्छी सोच के साथ हम विद्यार्थियों को लाएं, मांगलता शुभता के साथ जाएं जी। जय श्री राम बोलना, ये तो भगवान हमारा कहना चाहिए राम का सूतक है, और राम यदि हमारे देश में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? जय श्री राम। बिल्कुल ठीक है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी दलगत राजनीति से नहीं हूँ, धर्माचार्य हूँ, इस दृष्टि से मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे देश में हमको बोलना ही चाहिए, और राम का अर्थ यह है रमन्ते योगिनाति रामः। बिल्कुल, लेकिन यही आचार्य जी बड़े दुर्भाग्य की हम इसे बात कहेंगे कि हमारा संविधान इतना खूबसूरत है, हमारा लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, उसके बाद जब इस तरह की खबरें आती है या इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल उठते हैं और इस पर फिर राजनीति होती है तो झकझोर देने वाली बातें होती। मैं चाहूंगा आप बने रहे हमारे साथ। अब हमारे साथ दो पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी जुड़ गए और कांग्रेस से प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेश जी, डॉक्टर दुर्गेश जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। नौनिहालों को हम कहते हैं कि देश का भविष्य संवारने का काम उन नौनिहालों पर है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में अब क्या विचार थोपे जा रहे हैं? क्या सहिष्णुता खत्म हो गई है? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जो ये आप मामले की बात कर रहे हैं, आप अगर हर 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 अपने कार्यालय का एक अपना अपना डिसिप्लिन होता है और उस डिसिप्लिन को लेके उनका जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको लेके कभी आगे बढ़ते हैं किसी पर भी, क्योंकि यह देश ऐसा है कि देश में किसी पर भी आप किसी चीज को थोप नहीं सकते हैं। जैसा अभी आचार्य जी भी कह रहे थे, आचार्य जी की बात भी निश्चित रूप से, और राम भगवान श्री राम तो आस्था के केंद्र बिंदु हैं, टीके और कलावे से तो मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों को। और जहाँ पे भी अगर इस चीज की कोई शिकायत आई है तो उस कलेक्टर के, उनके कलेक्टर से बात की जाएगी उस जिले के। बाकी अगर आप हिंदुस्तान में ही रहकर आप हिंदू अगर इन सब चीजों को जो एक धर्म के रूप में अनिवार्यता है और उस अनिवार्यता को अगर कोई पालन कर रहा है तो मुझे, अगर हमारे धर्म में तो ये भी सिखाया जाता है दीपक जी कि किसी चींटी पर भी अगर पैर किसी का पड़ जाता है तो वो अपने गुनाह उनकी माफी करता है भगवान को कि मेरी गलती के कारण ये हुआ। तो हम जो समाज को बिलोंग करते हैं, और निश्चित रूप से जब विद्या का मंदिर है, जहाँ पे विद्या के मंदिर में विद्या को लेकर बातें हो रही, तो वहाँ इन सब चीजों से हटके बात होनी चाहिए। इन सब चीजों में अगर कोई कड़वाहट फैलाने का काम कर रहा है,
अगर कोई राजनीति करने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उन चीजों को भी पॉइंट आउट करना चाहिए। और हम तो हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चाहते हैं कि गुणवत्ता भरी शिक्षा हो। आप ये देखेंगे जो उन्होंने कदम उठाया है हाई राइज सीएम राइज स्कूलों का, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से उस चीज में बड़ी गंभीरता से उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छी तरह से अच्छी शिक्षा मिले। पर अगर कहीं कोई स्वार्थवश कहीं कोई आपने आपके चैनल पे ही हम बैठे थे जी, अब मदरसों में हिंदू बच्चों का क्या काम है? आप एड लेने के चक्कर में क्या हिंदू बच्चों को आप उसमें एडमिशन करके उनको दिखाएंगे? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और जो ये सब चीज षडयंत्र कर रहे हैं वो चेत जाए, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। बिल्कुल स्वदेश जी, मैं चाहूंगा आपने भी डॉक्टर दुर्गेश जी की बात सुनी और उन्होंने स्पष्ट अपना इस पर मत रखा है, लेकिन सवाल यही, एक तरफ तो बच्चों को सिखाया जाता है, हमने भी पढ़ा है सुना है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जो हमारा संविधान है, जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब इस तरह से विचार वो भी बच्चों पर नौनिहालों पर थोपे जाएंगे, क्या इसका साइड इफेक्ट आप देखते हैं, क्या इस पर अपना मत रखेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है, बच्चे देश का भविष्य है और जहां सवाल शिक्षा का, तो शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में रोज इस तरह के जो आज जो प्रकरण आया है, इस तरह के प्रकरण रोज सुनने में आ रहे हैं, जबकि शिक्षा का जो मंदिर होता है वो मंदिर हमारे लिए आराध्य होता है, मतलब एक तरह से पूजा योग होता है, और गुरु कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी गुरु हो, गुरु गुरु ही होता है। हमारा सनातन संस्कृति गुरु को भगवान का दर्जा देता है, तो अब ऐसी यही हमारी मान्यता है क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, और ऐसे में अगर कोई भी स्कूल या प्रबंधन या कोई भी संस्था अपने किसी धार्मिक उसका वो थोपती है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, इनको जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो। आज से इनको सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम आप कर रहे हो। रहा सवाल धर्म का, तो धर्म हमारा बिल्कुल निजी अति निजी मामला है। भले ही स्वदेश जी और डॉक्टर दुर्गेश जी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, लेकिन दोनों का मत बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है कि इस तरह से विचारों को थोपना, विचारों को इस तरह से थोप के नौनिहालों पर उसका बुरा असर हो, ये बिल्कुल गलत है, और इसी से सभी सहमत भी होंगे निश्चित ही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वदेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सोमेश जी आचार्य जी हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बात यही है कि देखिए जो ये तीन मामले सामने आए हैं बैतूल से, बड़वानी और सागर से, सवाल यही है कि आखिर इस तरह से अगर विरोध होता भी है, खासतौर पर नौनिहालों पर, बच्चों के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? ठीक है ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे या उसका बुरा असर देश के उन नौनिहालों पर पड़े जो देश का भविष्य है।